हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, हम लोग इंडिया एंड अफ्रीका के रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे थे एंड अब हम इस पर्टिकुलर जो क्लास है इसमें अब हम लोग आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग पेपर टू को डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी लोग नए आए हैं पहली बार, ठीक है। एंड पेपर टू के पार्ट बी को डिस्कस कर रहे हैं, टू बी। उसमें जो आपका इंडिया एंड द साउथ वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें आपका इंडिया एंड अफ्रीका रिलेशनशिप है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों का इस नोट्स चाहिए तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि आप लोग टेलीग्राम पे जाएं एंड टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आप लोग @PSIR क्लब, तो वहां पे आपको दो भी है, यहाँ पे PSIR क्लब जैसे ही सर्च करेंगे वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके हैंड रिटन नोट्स वहां पे देता हूँ। साथ ही साथ आप लोग वहां पे आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, वहां पे ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा जहां पे आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। सो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर लेसन को। एंड हम लोग को अब ट्रेड देखना है, तो इंडिया एंड अफ्रीका के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप कैसा है अब देखते हैं। तो देखिए, अगर 1997 के आसपास, 98 के पास अगर ट्रेड देखा जाए, ठीक है, तो कुछ खास नहीं था। इंडिया एंड अफ्रीका का सिर्फ $4 बिलियन का ट्रेड होता था। अब आप इमेजिन करो, एक कॉन्टिनेंट जिसमें ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज है, उन सबसे मिला के सिर्फ $4 बिलियन, यानी 4/50, ठीक है, इतना कम ट्रेड होता था पर्टिकुलर कंट्री से ऐसे देखा जाए। बट आज 2018-19 अगर आप लोग देखे तो रफली हमारा ट्रेड अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो $70 बिलियन है, ठीक है। आपको देखिए रफ फिगर्स पता होना चाहिए, ठीक है। आप हैफजार्ड लिख देंगे कि $500 बिलियन है तो ये गलत है, बट 70 का इनफैक्ट 75-80 है तो भी चलेगा, ठीक है। तो एक रफ आप फिगर आप जनरली गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो कि लेटेस्ट इंडिया अफ्रीका ट्रेड। तो देखिए, हमेशा इस चीज को गूगल कर लिया करिए, ठीक है। अगर अब देखिए, अगर मैं ये चीज गूगल करूँ तो ये आया, देखिए मैंने देखा है, ये आ गया, देखिए कि ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन अफ्रीका एंड इंडिया हैज इंक्रीज मोर देन 8-फोल्ड फ्रॉम रफली $7 बिलियन इन 2001 टू $60 बिलियन इन 2017, और अभी 18-19 चल रहा है तो ऑलमोस्ट 10 बिलियन बढ़ गया होगा, ठीक है। तो इंडिया, ठीक है, तो इस हिसाब से आप बोल सकते हो कि क्या है, रफली हमारा $70 बिलियन है 18-19 में, ठीक है। फिर उसके बाद आप और भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि दिस मेक्स इंडिया अफ्रीकाज फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 6.4% ऑफ द टोटल अफ्रीकन ट्रेड है वो आपका किस पे होता है, इंडिया के साथ होता है। यानी अफ्रीका का अगर टोटल मैं नेशनल ट्रेड देखूं तो उसका 6% जो ट्रेड सारी कंट्री करती है वो इंडिया के साथ करती है, बस आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। तो रफली आपका क्या कह सकते हैं हम लोग, $70 बिलियन का, 68-70 बिलियन का ट्रेड है, ठीक है। फिर देखिए टारगेट क्या रखा गया है कि भाई जो 2021 का टारगेट है कि वी विल ट्राई एंड ट्राई टू इंक्रीज दिस टू $117 बिलियन, ऐसा एक एम्बिशियस टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। अब देखिए, चाइना से कंपैरिजन करना जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम लोग चाइना से कंपैरिजन करें तो भाई चाइना बहुत हमसे आगे है, ठीक है, क्योंकि इंडिया चाइना एंड अफ्रीका का जो रिलेशन ट्रेड है दैट इज रफली अराउंड 200 बिलियन, ठीक है। अब आप देख रहे हो भाई कितना ज्यादा है, अपना कितना है 70 बिलियन, तो ऑलमोस्ट 7 × 3 = 21, 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा इनका ट्रेड है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो देख रहे हो। फिर उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट देखा जाए, इन्वेस्टमेंट कितना है, तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में रफली 35 बिलियन का, ठीक है, एंड चाइना का इन्वेस्टमेंट कितना है, अब जस्ट डबल 75, ठीक है, रफली 70 से 75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो आप देख रहे हो, तो चाइना काफी ज्यादा हमसे आगे है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है उनके पास काफी पैसा है तो वो अपनी इसमें केपेबल भी है, ठीक है। फिर देखिए अब क्या है कि एक अफ्रीका का एजेंडा है, ठीक है, अफ्रीकन नेशन या अफ्रीकन यूनियन जितने भी ये अफ्रीका के देश हैं इन्होंने मिलके एक एजेंडा सेट किया है, एंड वो एजेंडा क्या है कि भाई हमारा एजेंडा है एजेंडा 2063। अभी अफ्रीकन यूनियन ये इनका एजेंडा क्या है, तो इन्होंने जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो क्या बोलते हैं कि 2030 तक हमें फॉलोइंग दिस 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 टारगेट को अचीव करना है, सिमिलरली ये एजेंडा 23 है 2063, जिसमें कसम खाई है अफ्रीकन नेशंस ने कि हमें 2063 से पहले दिस 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 टारगेट को अचीव करना है, ठीक है। अब देखिए इंडिया क्या कर रहा है, ठीक है, सो इंडिया इज सपोर्टिंग, ठीक है, इंडिया इज सपोर्टिंग क्या दीज अफ्रीकन नेशंस कि भाई तुम लोग इस एजेंडा को अचीव कर पाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है। तो अब आपने समझाया, तो अब भाई क्या क्या आखिर इंडिया ने इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है, जिससे पता चलता है कि हाँ इंडिया एंड अफ्रीका में वाकई कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो इनिशिएटिव याद करना बहुत जरूरी है, तो अब गाइज आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं कि इंडियाज इनिशिएटिव इन अफ्रीकाज,
ठीक है, इंडियाज इनिशिएटिव्स, क्या क्या इंडिया के इनिशिएटिव है अफ्रीका में, ठीक है, इन अफ्रीका, ये हेडिंग है। तो देखिए दो तीन प्रोग्राम्स के नाम आपको याद होने चाहिए कभी भी अगर आप इंडिया अफ्रीका के रिलेशनशिप के बारे में लिखे। तो देखिए सबसे पहला आता है आईटेक, ठीक है, ये आपने न्यूज में भी काफी बार पढ़ा होगा, ठीक है, ये 1964 में स्टार्ट हुआ था, इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, ठीक है। एंड इसके थ्रू क्या होता है ना गाइस, इसके थ्रू आपकी टेली, आपकी मेडिसिन, ठीक है, टेली हेल्थ एंड उसके बाद फिर टेली एजुकेशन, ये सब प्रोवाइड किया जाता है अफ्रीका में, ठीक है। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग का एक टाइप का प्रोग्राम है, ठीक है, एंड इंटरनेट का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम वहां के लोगों की कैपेसिटी को बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, ये एक प्रोग्राम है। फिर देखिए उसके बाद आता है सेकेंड, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गाइस इसके बारे में आप गूगल कर लीजिएगा, सिंपल गूगल कर लीजिए, एक दो लाइन आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सेकेंड फिर आता है नीपैड, ठीक है, देखिए नीपैड क्या है कि न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट, न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट, ठीक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए जो ये नीपैड है, ये है तो देखिए प्रोग्राम किसका, अफ्रीकन यूनियन का, बट इंडिया भी इसमें काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब आईटेक वाला तो इंडिया ने स्टार्ट किया है, बट जो नीपैड है ये ऑलरेडी अफ्रीकन यूनियन का प्रोग्राम है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, एक दो लाइन विकिपीडिया की पढ़ेंगे तो और अच्छा आएगा। देखिए यहां मेरे साथ पढ़िए, द न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट इज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, नीपैड वॉज अडॉप्टेड इन रफली 2001, ठीक है। अब नीपैड एम्स टू प्रोवाइड एन ओवर आर्किंग विजन एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एक्सेलरेटिंग, देखिए, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड इंटीग्रेशन अमंग अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। तो इट वॉन्ट्स की भाई ज्यादा से ज्यादा कॉपरेशन हो एंड इंटीग्रेशन हो, ठीक है। अब फिर ओरिजन एंड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा रहने दीजिए, बस आप ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि क्या इसका ओरिजन है, कैसे क्या करने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली ये इनको और ज्यादा से इकोनॉमिक कॉपरेट करवाना चाहता है, ठीक है, ज्यादा इंटीग्रेट करवाना चाहता है, ठीक है। तो इसके थ्रू इंडिया क्या कैसे मदद कर रहा है कि इट्स ट्राइंग टू प्रमोट क्या, डेमोक्रेसी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि नीपैड में भी इंडिया का काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एंड ये याद रखिएगा, न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट, ठीक है, ये प्रोग्राम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपके पास थर्ड प्रोग्राम है टीम नाइन, क्या बोला मैंने, टीम नाइन, ठीक है। एंड टीम नाइन का फुल फॉर्म क्या है, टेक्नो इकोनॉमिक अप्रोच फॉर अफ्रीका इंडिया मूवमेंट। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में भी एक दो लाइन समझ लीजिए। तो देखिए 2004 में लॉन्च किया गया था, एंड इसके थ्रू क्या था, आप ये पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इन अ बिड टू एक्सपैंड इट्स इकोनॉमिक रीच इंडिया लॉन्च एन इनिशिएटिव इन 2004 कॉल्ड टेक्नो इकोनॉमिक अप्रोच फॉर अफ्रीकन इंडियन मूवमेंट टीम 9, ठीक है, टुगेदर विद द 8 एनर्जी एंड रिसोर्स रिच वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। तो वेस्ट अफ्रीकन की कंट्रीज जितनी भी है, ये बहुत सारी एनर्जी रिच है, एंड इनके साथ कॉपरेशन बढ़ाने के लिए ऐसा किया, एंड ये सारी कंट्रीज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये टीम नाइन है क्या, तो एक टाइप का इंडिया अफ्रीका का ही कॉपरेशन का प्रोग्राम है, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। फिर देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट क्या है, तो देखिए इंडिया क्या है, इंडिया बहुत ज्यादा वहां पे इन्वॉल्व है पीस कीपिंग मिशंस में, ठीक है। तो इंडियन आर्मी वहां बहुत ज्यादा इस सब में इन्वॉल्व है, वहां पे पीस लाना चाहती है, ठीक है, जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी कंट्रीज जो वॉर टॉर्न है, ठीक है, जहां पे सिविल वॉर चल रहा है वहां पे पीस के लिए आपका इंडिया की फोर्सेज है। साथ ही साथ देखिए जो इंडिया की जो फोर्सेज है वो अफ्रीकन फोर्सेज को भी ट्रेन कर रही है, ठीक है। तो अफ्रीकन फोर्सेज को भी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, कि वो अच्छे से पीस कीपिंग मिशंस को चला पाए, तो इसकी भी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है गाइस, तो समझ में आ रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपने ये तीन चार प्रोग्राम याद रखे होंगे, आईटेक, फिर से बता देता हूं नीपैड, ठीक है, फिर उसके बाद टीम नाइन, फिर उसके बाद है आपका पीकेएफ, पीस कीपिंग फोर्सेस। ये तीन चार अगर आप प्रोग्राम लिख देंगे तो आपके आंसर में थोड़ा सा एक डेटा वाला स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, ठीक है गाइस। फिर देखिए और भी इस प्रूव होता है कि इंडिया एंड अफ्रीका के रिलेशनशिप अब सुधर रहे हैं। तो अभी देखिए क्या हुआ था कि रिसेंटली जो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इसकी मीटिंग कहाँ हुई, इसकी मीटिंग हुई भाई गांधीनगर गुजरात में। तो अगेन आप समझ सकते हैं कि कोई बैंक अगर यहां पे आके मिल रहा है, यहां मीटिंग कर रहा है, तो इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, ठीक है। तो रिसेंटली द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक मेट इन कहाँ, गांधीनगर गुजरात, ठीक है। अब देखिए पीएम मोदी जी का भी एक विजन है, क्या है विजन, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इनका एक विजन है क्या, कि विजन ऑफ
प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी इन इंडो पैसिफिक, इन इंडो पैसिफिक, ठीक है। अब ये इनका विजन है, ठीक है। अब ये विजन के लिए, ठीक है, ये विजन को अगर सक्सेसफुल पाना है, ठीक है, तो इसमें भाई अफ्रीकन नेशंस को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि भाई इंडिया एंड पैसिफिक नेशंस का यही जो आप कह सकते हैं ये एम करता है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन इंडो पैसिफिक, ठीक है। एंड यही चीज अब क्या है कि यही जो विजन है, ठीक है, कि हम पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लाएंगे इंडो पैसिफिक में, यही चीज अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई करता है, ठीक है। देखिए कैसे ये जो विजन है एक टाइप का, ये अब अफ्रीका पे भी लगाया जा रहा है, कैसे? तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो ये वाला विजन था ये शेयर किया अपने काउंटर पार्ट जिनका नाम है शिंजो आबे, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर, आप नाम हम छोड़ो, जापान के प्राइम मिनिस्टर को बस आप याद रखो कि जापान के पीएम के साथ मिलके इन्होंने सोचा है कि अब हम यही विजन अफ्रीका के रिगार्डिंग भी फॉलो करेंगे एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी देयर। और इसके लिए क्या एक प्रपोज किया दोनों ने मिलके, AAGC, ठीक है, एशिया अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर, ठीक है। अब इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आई एम टेलिंग यू, तो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर अब हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे इंडिया जापान, एंड इसके थ्रू वी विल ट्राई टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन द एंटायर आपका अफ्रीकन इंडिया रीजन, पूरा ये जो रीजन है ये आपका ऐसा आता है, ये देखिए ये इस टाइप का आता है, तो इस पूरे रीजन में क्या होगा, ये पूरे रीजन में आपका पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी, ठीक है। तो इस ये क्या है विजन, अब हम उसको आगे अभी हम देखते हैं, ठीक है, इसको अब हम समझते हैं। तो देखिए जो अफ्रीका एशियन ग्रोथ कॉरिडोर है, ठीक है, अफ्रीका एशियन AAGC शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, अफ्रीकन एशियन ग्रोथ कॉरिडोर, देखिए ये आपका चार पिलर्स इसके हैं, अगर चार इसके की जो आप कह सकते हो पिलर्स है वो ये है, चार पिलर्स, कौन कौन से चार पिलर्स है, तो देखिए फर्स्ट है भाई डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो वहां पे इंडिया जापान अफ्रीकन नेशन से मिलके कॉपरेशन प्रोजेक्ट्स चलाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे ये लोग डेवलप करेंगे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, वहां पे स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस की, इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया जाएगा, उनकी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये सब करेंगे, यानी इन स्ट्रांग क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, ठीक है, लोगों को स्किल दिया जाएगा, ठीक है, आपका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा लोगों में, ठीक है, ये सब किया जाएगा लोगों में, ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हो, ह्यूमन जो रिसोर्स है उसको आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं अफ्रीका का, ठीक है। फिर उसके बाद आप कह सकते हो पीपल टू पीपल, चौथा है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाए जाएंगे, ठीक है, आपके इंडिया अफ्रीका जापान इन सब के बीच में, ठीक है। तो ये चार पिलर्स पे आपका AAGC मेंटेन्ड है, ठीक है। तो इसमें आपने एक चीज नोटिस करी, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, देखो एक प्रोजेक्ट होता है सिर्फ आपने तड़ातड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया बिना कुछ सोचे समझे, बट यहां देखो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट इसके थ्रू क्या हो रहा है, इसके थ्रू एक सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है। इसके थ्रू क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के थ्रू एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, यानी आप देखिए सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल हर एस्पेक्ट्स पे आपका, और ये पीपल टू पीपल के थ्रू क्या आ रहा है, एक कल्चरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चर हर एस्पेक्ट्स पे आपका AAGC खड़ा उतर रहा है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी हम जब चाइना से कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे चाइना इज ओनली इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, कि भाई फटाफट वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, फिर हम वहां पे उस पर टैक्स लगाएंगे, यूज करेंगे एक्सेट्रा, अपने फायदे के लिए यूज करेंगे, ठीक है। वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है उसका वन बेल्ट वन रोड का प्योर इनिशिएटिव ही ये, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक फायदा है इसका, ठीक है, एंड इसीलिए इनकी पॉलिसीज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, ठीक है। तो AAGC के हमने चार पिलर समझ लिए, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन ये आता है कि भाई AAGC का कंपैरिजन, क्या बोला मैंने, AAGC का कंपैरिजन, अभी ये AAGC देखिए प्रपोज्ड ही है, हुआ नहीं है, ठीक है, OBOR से आ जाता है, ठीक है। अब OBOR का नाम चेंज हो चुका है, BRI बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव, इसका कंपैरिजन ऑफन करवा लिया जाता है, पेपर में भी आ जाता है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्या है इन दोनों में वो डिफरेंसेस। तो देखिए अगर फर्स्ट पॉइंट की बात किया जाए, ठीक है, तो पहले जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है इसका जो मेजरली जो फोकस है, इनफैक्ट 99% ऑफ द जो फोकस है वो आता है, इनफैक्ट 100 ही मान लो यूरेशिया में, ठीक है, ये ज्यादातर यूरोप एशिया एक्सेट्रा में ज्यादा फोकस करता है, ठीक है, इसका जो मेजर फोकस है यूरेशिया में। AAGC का जो फोकस है वो आपका मेजर जो फोकस कहाँ है, वो प्योर अफ्रीका में है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस आपका ये आता है, ठीक है। फिर देखो उसके बाद क्या है आपका जो ये है OBOR है, ये फोकस करता है सिर्फ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में,
ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ठीक है, और वो भी कैसे कनेक्टिविटी, इन सब में ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। एंड ये किधर आपको बताया हमने, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ठीक है, सोशल, सारे डेवलपमेंट्स पे, सारे फ्रंट्स पे ये एड्रेस करता है, ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दे चुका हूं, ठीक है। फिर देखिए तीसरा अगर बात किया जाए तो यहां पे क्या है कि जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, ये जो चाइना का है, ठीक है, ये मैं बता दूं भाई, ये चाइना का, जितने लोग को नहीं पता है, ठीक है, तो चाइना वालों का ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, मतलब यहां पे गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है, गवर्नमेंट के पास खूब सारा पैसा है, फटाफट वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जबकि जो AAGC है इसमें दे विल ट्राई टू इंक्लूड अ लॉट ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, क्योंकि यार इतना पैसा देखो इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो विदाउट द हेल्प ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन दिस वोंट बी अ सक्सेस, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए उसके बाद और क्या पॉइंट्स पे बात किया जाए, तो देखिए ये जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, BRI इनिशिएटिव, इसकी जो इमेज बन चुकी है वो थोड़ी नेगेटिव है, एंड वो थोड़ी सी इंपीरियलिज्म वर्जन 0.2 बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो चाइना की पॉलिसीज है वो बहुत ज्यादा डेप्ट ट्रैप वाली है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डेप्ट ट्रैप वाली है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल अभी हम्मन तोता का पोर्ट है, जिसमें क्या हुआ, हम्मन तोता का में वो लोन नहीं चुका पाया, एज अ रिजल्ट उन्हें जो हम्मन तोता पोर्ट है वो आपका 100 साल के लिए लीज पे देना पड़ा है चाइनीज को, चाइना को, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा डेप्ट ट्रैप की पॉलिसीज है, एंड लैंड ग्रैबिंग की जो पॉलिसीज है चाइना की वो बहुत ही नेगेटिव व्यूज से लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है, जबकि यहाँ की जो पॉलिसीज है दे आर वेरी पॉजिटिव इन नेचर। यहाँ पे देखो हम लोग इन्वेस्टमेंट तो करते ही हैं, साथ ही साथ लोकल को वहां इन्वॉल्व करते हैं कि चलो हम पैसा दे रहे रोड बनाओगे, बट जो यहाँ की रोड है वो चाइना के ही बंदे बनाएंगे, ठीक है, बट यहाँ की जो रोड है वो लोकल्स बनाएंगे, तो इससे क्या हो रहा है कि लोकल को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एंड जब लोकल को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो आपका लोकल के प्रति अपनी इंडिया, जापान, इन सब की इमेज क्या सुधरती है, ठीक है। फिर उसके बाद चाइना क्या करता है, कुछ भी चीज बनाता है तो कोई भी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं होता, कुछ नहीं, बस बना के चले आएंगे, कैसे बनी क्या बनी ये सब कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट है, ठीक है। एंड जो चाइना की इसीलिए जो पॉलिसीज है इसको बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्टिव बोला जाता है, ठीक है, एक्सट्रैक्टिव पॉलिसीज है कि चूस रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है उस कंट्री से, जबकि ये वाली पॉलिसीज या बहुत ही इंक्लूसिव है, ठीक है, ये सब चीजें आप लिख देंगे AAGC एंड दोनों का कंपेयर कर देंगे, ठीक है। आई होप गाइज आप लोग अब आप रिलेट कर पा रहे हैं। फिर यहां पे अगर अप्रोच मानी जाए तो यहां पे कैसी अप्रोच है, ऑब्वियसली यहां पे बहुत ज्यादा पीपल सेंट्रिक अप्रोच है, ठीक है, पीपल सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है, यहां पे पीपल को सबसे सेंटर में रखा गया, उसके अराउंड डेवलपमेंट हर एस्पेक्ट्स पे कर रहे हैं, यहां इस बंदे को रोड चाहिए, इस बंदे को स्कूल चाहिए, इस बंदे को आपका सोशल अच्छी लाइफ होनी चाहिए, तो हर एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जबकि यहां प्योर इकोनॉमिक माइंडसेट है, प्योर इकोनॉमिक माइंडसेट है, ठीक है। एंड इसीलिए जो ये है ये बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, बहुत ज्यादा एफिशियंट है, एंड बहुत ज्यादा आप कह सकते हो एफिशियंट एंड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, एंड जबकि ये उतना नहीं है, ठीक है। सो आई होप अब आप लोग कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए जो भी होता है ना AAGC में ये सब भी इंक्लूड करता है गाइस, हेल्थ, फिर एजुकेशन, ठीक है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका BRI में, इसमें कहाँ हेल्थ वेल्थ का ऑपरेशन है, वो लोग तो सिंपल ब्रिजेस एक्सेट्रा, लैंडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ये सब कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप अब आप लोग कंपेयर कर पाएंगे, एंड अब अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आप एक टाइप का बता सकते हैं कि चाइना की क्या स्ट्रेटजी है कहीं पे भी, ठीक है। अब देखिए और कैसे इंडिया एंड अफ्रीका के बीच में रिलेशनशिप इंप्रूव हुए, अगर आपसे कोई एग्जांपल मांगे तो आप बोल सकते हैं अब रीसेंट इयर्स में हाई लेवल विजिट्स बहुत बढ़ चुकी हैं, हाई लेवल विजिट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं, इनके टाइम से तो और ज्यादा बढ़ चुकी है। कैसे, तो देखिए 2016 में, ठीक है, प्रेसिडेंट गए थे कहां पे, प्रेसिडेंट गए थे जिन कंट्रीज में, जिन कौन कौन सी कंट्रीज है आपकी, घाना, ठीक है, घाना, आइवरी कोस्ट, ठीक है, आइवरी कोस्ट एंड एनसे नामीबिया, इन कंट्रीज को उन्होंने पर्सनली विजिट करा था, ठीक है। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ने भी यात्रा करी, कहाँ कहाँ पे, मोरक्को की करी थी, ठीक है, एंड आपकी मोरक्को के बाद करी थी, मोरक्को के बाद टूनेशिया, ठीक है, टूनेशिया वो कंट्री है जहाँ से अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो ये स्टार्ट किया था आपका वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ने 2016 में काफी अच्छा विजिट किया। फिर देखो प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे विजिट किया, ठीक है, 2016 में आपका साउथ अफ्रीका गए थे, ठीक है, फिर तंजानिया गए थे, ठीक है, फिर आपके केन्या गए थे,
ठीक है, मोजाम्बिक गए थे, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 2018 में कहाँ गए, 2018 में आपका ब्रिक्स समिट अटेंड किया था प्राइम मिनिस्टर ने साउथ अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद फिर आपका रवांडा, युगांडा, यहाँ गए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया था, याद है गाइस, लास्ट ईयर न्यूज में भी था, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कुछ जो विलेजेस को गाय भैंस गिफ्ट करी थी, कुछ स्पेशल काउज एंड एक्सेट्रा गिफ्ट किया था, ठीक है। तो वो रीड बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई थी, तो ये सब विजिट कर चुके हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा फोकस हो रहा है आपका जो हाई लेवल विजिट्स है। फिर देखो, इन हाई लेवल विजिट में जब जाते हैं तो क्या क्या स्टेटमेंट्स या कुछ इंपॉर्टेंट विजन या कुछ अपना अपनी बात रखते हैं। तो देखिए, दो इंपॉर्टेंट अभी तक विजन बहुत अच्छे से रखे गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा। एक आपका रखा गया था कि भाई ब्लू इकोनॉमी के बारे में बहुत ज्यादा बात होने लग गई अब, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी मींस जो आपके ओशनिक रिसोर्सेज हैं, इसका काफी अच्छे से यूज किया जाए एंड इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि अफ्रीका के पास एडवांटेज क्या है, इट हैज अ लॉन्ग कोस्टल लाइन, ठीक है। ये पूरी आप देख रहे हो कोस्टल लाइन है, एंड इंडिया का अगर आप यहां जाओ ये, तो इंडिया से बहुत ज्यादा ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो इंडियन ओशन रीजन क्या है, ये सब इट कनेक्ट्स, आसानी से हम अफ्रीका से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लू इकोनॉमी के बारे में बहुत बातें करी है। एंड दूसरा, फिर जो इस रीजन में सिक्योरिटी का एस्पेक्ट्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा पायरेसी होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कैसे सोमालिया एक फील्ड स्टेट है एक्सेट्रा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का पर्पस है। तो इसीलिए एक प्राइम मिनिस्टर ने एक विजन दिया, सागर का विजन, क्या है फुल फॉर्म सागर की, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ठीक है। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ग्रोथ फॉर ऑल, तो ये दो बहुत अच्छे विजन दिए गए थे। ब्लू इकोनॉमी पे बहुत फोकस हो रहा है एंड सागर पे भी अब सेंटर पॉइंट बन चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, स्ट्रैटेजिकली जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उस पे भी प्राइम मिनिस्टर बहुत ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। जैसे छोटे छोटे आइलैंड देश, जैसे आपके सियाचेल्स हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद मॉरिशस हो गए, ठीक है, ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं, इन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, एंड प्राइम मिनिस्टर ने विजिट भी किया है, ठीक है। तो आप समझ रहे, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि हाउ द by high level visits have increased very very on an unprecedented scale, ठीक है। तो देखिए, ऐसा एक डेटा मैं आपके सामने रखता हूँ कि लास्ट 5 to 6 years में, ठीक है, 26 हाई लेवल विजिट्स हुई है, 26 हाई लेवल की विजिट्स, ठीक है, हाई लेवल विजिट, जिसमें सब आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा हमने अब अफ्रीका को बिल्कुल फोकल पॉइंट पे, बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे अफ्रीका सेंटर हो चुकी है हमारी फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए, और कैसे कैसे हमने इंक्रीज कर रहे हैं आजकल, तो अब देखिए, अब ना डिफेंस पार्टनरशिप के से भी हम लोग राइज कर रहे हैं, मतलब डिफेंस की ओर अब हम जा रहे हैं। अभी तक जितना भी हमारे पार्टनरशिप्स थी वो सब कैसी थी, कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब सॉफ्ट अप्रोच था, बट अब हम लोग हार्ड अप्रोच के लिए भी जा रहे हैं। तो हमने देखा होगा इंडिया एंड अफ्रीका नेशंस की नेवीज कॉपरेट कर रही है, कहाँ पे कॉपरेट कर रही है आपकी, IONS से, ठीक है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। इसके बारे में थोड़ा सा एक दो लाइन देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम क्या है, IONS से इसको शॉर्ट फॉर्म डिनोट करते हैं। ये सीरीज ऑफ बाइलिनियल मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, अमंग द लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। जो लोग भी इंडियन ओशन रीजन में पढ़ते हैं उनकी जो नेवीज है वो लोग मिलते हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या करा जाता है, देखिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन अमंग द, ठीक है, कॉपरेशन किया जाता है, ठीक है। फिर एक फोरम प्रोवाइड किया जाता है फॉर डिस्कशन ऑफ रीजनल मैरिटाइम इश्यूज, फिर उसके बाद प्रमोट फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स नेशन, ठीक है, आप समझ रहे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपके मेंबर्स देखना चाहें इसके, तो इसके मेंबर्स आपके ये सारे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये रफली इतने सारे आपके आते हैं, ठीक है। तो इन सबके बीच में आपका एक कॉपरेशन किया जा रहा है, ठीक है। आई होप अब आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम क्या है, ठीक है। तो इसके थ्रू इंडिया ने अब स्ट्रेंथन किया है, ठीक है, डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ाया जा रहा है। फिर देखिए, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, तो IORA, इसको भी अब क्या है, इसको भी इंडियन ओशन जो रिम एसोसिएशन है, इसको भी अब रिवाइव किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, IORA पे क्वेश्चन भी आ चुका है UPSC में, ठीक है। तो देखिए, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है, ये फॉर्मली नोन एज द इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव, ठीक है, ये सब छोड़ो, ये क्या है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 22 कोस्टल स्टेट्स, ठीक है, बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन। ये देखिए, ये सारे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं, ये सारे आपके मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। एंड इनका क्या होता है, ये लोग मिलते हैं एंड अपने क्या किस पे बात करते हैं ये लोग, ठीक है,
ये लोग सस्टेनेबल ग्रोथ पे बात करते हैं, ठीक है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, मेंबर स्टेट्स, इन सब पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। ये आप ऑब्जेक्टिव से इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद ये आपको बताने का था, ठीक है। इसमें 22 स्टेट्स है, एंड एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें पाकिस्तान इज नॉट द मेंबर, ठीक है, पाकिस्तान मेंबर नहीं है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है गाइस। आई होप अब आप लोग रिलेट कर पाए होंगे। तो IORA, IONS, इन सबको भी अब रिवाइवल, इन सबका भी रिवाइव किया जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए हम लोगों ने क्या किया था कि ये इप्सा की मैरिटाइम एक्सरसाइज भी करी थी। इप्सा क्या है? इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसकी अब हमने मैरिटाइम एक्सरसाइज भी करी थी, ठीक है। और फिर देखिए, इंडिया ही इकलौती पहली एशियन कंट्री है, फर्स्ट एशियन कंट्री, क्या, जिसके पास क्या है, फुल मेंबरशिप है, फुल मेंबरशिप ऑफ व्हाट, ऑफ अफ्रीकन यूनियंस कैपेसिटी बिल्डिंग फाउंडेशन। अफ्रीकन यूनियन है, उनका एक कैपेसिटी बिल्डिंग फाउंडेशन है, ठीक है, जिसके थ्रू कैपेसिटी बिल्ड की जाती है अफ्रीकन के लोगों की। इसकी फुल मेंबरशिप इंडिया के पास है, एंड ये फर्स्ट एशियन कंट्री है, याद रखिए, सबसे पहले एशियन कंट्री जिसके पास एक फुल टाइम मेंबर है आपकी इस फाउंडेशन का, ठीक है। सो इस तरीके से हमने देखा क्या चीज पे हमारा कैसा कॉपरेशन चल रहा है, एंड कैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफेंस में हमेशा IONS एंड IORA का एग्जांपल जरूर दीजिएगा, ठीक है। एंड इप्सा के बारे में भी आप बता सकते हैं कि रिसेंटली अभी इप्सा की मैरिटाइम एक्सरसाइज भी हुई है, ठीक है। अब देखिए वीकनेस क्या है, ठीक है, ये तो हमने अच्छी अच्छी चीज देख ली, बट क्यों हम उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं स्टिल, एंड देयर हैज टू बी सम वीकनेसेस इन इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप, तभी तो भाई इशू है। तो देखिए इंडिया अफ्रीका के बीच में अगर वीकनेस के बारे में बात किया जाए तो दो तीन या चार पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिएगा कि भाई देखो, इंडिया का इतना अफ्रीका फोकस में है, हमने देखा अभी, ठीक है, 26 विजिट हुई है 5-6 साल में, तो भाई व्हाई हैवंट यू लॉन्च्ड एन अफ्रीका पॉलिसी, है ना, अफ्रीका पॉलिसी नहीं है भाई। देखो, वेस्ट एशिया के लिए लुक वेस्ट है, ईस्ट के लिए लुक ईस्ट है, फिर आग उधर देखने के लिए एक्ट ईस्ट है, सारी हर तरफ की पॉलिसीज है, ठीक है, इंडियन ओशन रीजन में, व्हाई देयर इज नो अफ्रीकन पॉलिसी, ठीक है। सो इंडिया हैज नॉट डिक्लेयर्ड एन अफ्रीकन पॉलिसी, ठीक है, एंड जबकि आपने एक्ट ईस्ट लुक वेस्ट सब कुछ करा है, ठीक है। तो अगेन ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है, ये एक वीकनेस है। फिर उसके बाद देखिए क्या है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो एंगेज कर रही है वहां डायस्पोरा से, ठीक है, डायस्पोरा से चाहती है भाई कि रिलेशनशिप बढ़े, ठीक है, एंड जब भी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं डायस्पोरा से मीटिंग होती है, बट आप देखो जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, वो वहां पे सिर्फ और सिर्फ रिच डायस्पोरा से ही, इलीट क्लास से मिलते हैं। छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं, जो गए हुए हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, अब आपको पता है ब्रिटिशर्स ने गरीब लोग को प्लांटेशन वर्कर्स की तरह ले गए थे, तो कुछ लोग वहां सेटल कर गए, तो भाई उनकी फैमिली से तो कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है, सिर्फ आप बिजनेसमैन एक्सेट्रा से बात कर रहे हो। सो यही चीज एक टाइप की वीकनेस है कि भाई जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भाई इंडियन गवर्नमेंट इनसे तो कनेक्ट कर ही नहीं रही है, ठीक है। फिर देखिए, ये एक बहुत ज़्यादा एक कॉमन एक इमेज बन चुकी है या एक इम्प्रेशन बन चुका है कि भाई इंडिया ओनली क्या, इंडिया प्रोमिसेस, ठीक है, या इंडिया सेज, या इंडिया सिर्फ बोलता है जबकि चाइना डिलीवर्स, ठीक है, चाइना डिलीवर्स, ये आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भाई। इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑन पेपर है, जबकि चाइना फटाफट अपने आप को असर्ट कर रहा है एंड अपने प्रोजेक्ट्स को फटाफट डिलीवर कर रहा है। फिर देखिए, अगर फोर्थ पॉइंट के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो देखिए इंडिया के क्या है, कोई इतनी ना, इंडिया के पास यार इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, ठीक है। अब इंडिया के पास रिसोर्सेज इन द सेंस, इतना हमारे पास डीप पॉकेट्स नहीं है, ठीक है, इतना पैसा नहीं है, हमने अभी अपने देश का इतनी अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करा है जिसके थ्रू हमें इतना प्रॉफिट हो कि हम दूसरे देश में जाके उड़ाएं, ठीक है। जबकि चाइना क्या करता है, चाइना ने जो 20-30 सालों में इतना जबरदस्त इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा कि भाई चाइना में जो चाइनीज गवर्नमेंट है उनकी जेबें बहुत फुल हो गई, बहुत डीप हो गई इनकी पॉकेट्स, ठीक है, और इन्होंने स्टार्ट कर दिया आपका चेकबुक डिप्लोमेसी, ठीक है। चेकबुक डिप्लोमेसी क्या होती है गाइस? तो इसमें क्या होता है कि लिटरली ये लोग जहां भी जाते हैं उनके उनके उनको जाके ब्लैंक चेक दे देंगे, ठीक है। एक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे, लेट से ये ए बंदा है एंड मैं इस ए बंदे के पास आया, मुझे इससे जो भी काम करवाना है मैं बोल दूंगा भाई मैं तेरी हर शर्त मंजूर है, तो मेरा ये काम कर दे, ये ले ब्लैंक चेक, ठीक है। तो पैसे दे दे के अपने देश को फटाफट जितना पैसा भर सकते हो भर के अपने देश को दूसरे को अपने साइड में करना, दिस इज कॉल्ड चेकबुक डिप्लोमेसी, ठीक है। ये तब यूज किया जाता था कोल्ड वॉर के टाइम,
कोल्ड वॉर के टाइम क्या होता था, दो बंदे अपने जेबों में पैसा भर भर के निकलते थे, एक भाई यूएसए का प्रेसिडेंट, ठीक है, और एक बंदा यूएसएसआर का प्रेसिडेंट, और ये हर देशों में जाते थे और हर देशों में जा जाके उन कंट्री को बोलते थे जितना पैसा चाहिए मुझसे ब्लैंक चेक के फॉर्म में ले लो, तुम बस हमारी तरफ आ जाओ, तुम कम्युनिज्म की तरफ आ जाओ और तुम कैपिटलिज्म की तरफ आ जाओ। ऐसा कोल्ड वॉर के टाइम में एक रेस होती थी, ठीक है, सारे जितने भी यूएस प्रेसिडेंट थे वो लोग बहा रहे थे पैसा, ठीक है, लिटरली बहुत पैसा बहाया है और यूएसएसआर ने भी खूब पैसा बहाया, तभी तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया कि उन्होंने इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बस ये देखा पूरे वर्ल्ड का कम्युनिज्म होना है, उन्होंने इस चीज पे निकल गए। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इकोनॉमी वहां पे शैम्बल में आ गई, लोगों पे खाने के पैसे नहीं बचे, बस यूएसएसआर में रेवोल्यूशन हो गया एंड डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। एंड सिमिलरली कैपिटलिज्म में भी यही था, जबरदस्त पैसा लेके वो लोग घूम रहे थे, बट कैपिटलिज्म इतना ज्यादा प्रॉफिट कर रहा था कि वो कर सकते थे ऐसा, वो अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को कहते हैं आपका एक टाइप का चेकबुक डिप्लोमेसी, ठीक है। तो देखो चाइना इसमें एक्सपर्ट अब हो चुका है, चाइना के पास बहुत पैसा है, ठीक है, एंड दबा दब वो इसका यूज कर रहा है, तो चेकबुक डिप्लोमेसी इंडिया परस्यू अभी नहीं कर सकता, ठीक है, इसीलिए इंडिया को बहुत सोच समझ के करना होगा, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे, चाइना ने सीधा जितना भी इंडिया, आपने देखा होगा इंडिया का इन्वेस्टमेंट अगर 35 बिलियन है तो भाई चाइना का सीधा डबल, सीधा 75, ठीक है। इंडिया का अगर ट्रेड है 60 बिलियन, चाइना का 70 बिलियन, तो इनका 3 गुना ज्यादा, सीधा 200 बिलियन, ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना। तो इसीलिए चाइना का ये फैक्टर है, जबकि ये इंडिया के पे ये लैग कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए जो अभी रीसेंट ईयर्स में क्या होने लगा है, रीसेंट ईयर्स में ऐसी न्यूज आ रही है कि भाई जो आपके जो प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है, ये वहां पे मनमानी कर रही है, ये वहां पे आपका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा कर रही है, ठीक है। इसकी वजह से एक नेगेटिव इंप्रेशन भी बन चुका है इंडियन प्राइवेट कंपनीज का वहां पे, ठीक है, इररिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रही है ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये भी थोड़ा सा एक टाइप का वीकनेस कह सकते हो, ठीक है। आई होप गाइस अब आप लोग रिलेट कर पाए होंगे। नेक्स्ट अगर थोड़ा सा और बात करें कि भाई कुछ सजेशन दो, ठीक है, तो सजेशन क्या हो सकता है, ठीक है, कि भाई इसको इंप्रूव कैसे करें, आपसे पूछा जाए व्हाट कैन यू सजेस्ट, तो देखिए आप बोलोगे कि सर देखो जो अफ्रीका की पहली बात एक पॉलिसी डिक्लेयर करो, अफ्रीकन पॉलिसी, एंड अफ्रीकन पॉलिसी शुड बी वेरी मच होलिस्टिक इन द सेंस इट शुड इंक्लूड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करो, ठीक है, फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करो, ठीक है, एंड प्लस उसके साथ डायस्पोरा, वो भी कौन सी वाली, वो भी आपकी जो लोअर लेवल की है, लोअर लेवल की डायस्पोरा, क्योंकि यार वो लोग बहुत साल से, प्राइवेट सेक्टर तो अभी गया है लेट्स से 20-25-30 इयर्स बैक, बट भाई वो तो 1910-1920 कब ले गए थे यार, तो ऑलमोस्ट 100-200 सालों से वो लोग वहां पे है, तो इनसे इंटरेक्ट पहले करना चाहिए, ठीक है। ऐसा एक अच्छा सजेशन आप दे सकते हो कभी भी अगर पूछा जाए, ठीक है। अब देखिए एक बहुत अच्छे स्कॉलर है, आप सब पढ़ते होंगे, इनके हिंदू में आर्टिकल भी आते हैं एंड पॉलिटिकल साइंस के बहुत फेमस स्कॉलर है, जिनका नाम है हर्ष वी पंत, ठीक है, इनको मैं शॉर्ट फॉर्म में HVP बुलाता हूँ, ठीक है। तो HVP क्या बोलते हैं, ठीक है, हर्ष वी पंत क्या बोलते हैं कि भाई देखो हिस्ट्री विल नॉट बी इनफ टू एंटाइस अफ्रीका, ठीक है, टू एंटाइस अफ्रीका, एंटाइस मतलब अपने आप लुभाना उसको, ठीक है, मतलब कि हिस्ट्री के बेसिस पे अब आप नहीं अफ्रीका को लुभा सकते कि भाई हमारी तुम्हारी हिस्ट्री से, मैं हमारा तुम्हारा कल्चर से, मैं आ जाओ, ठीक है, ना 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 ना, अब नहीं। फिर उसके बाद ये आगे बोलते हैं कि भाई सी टुडे अफ्रीका हैज नो स्कैसिटी ऑफ फ्रेंड्स, कमी नहीं है भाई अब दोस्तों की, ठीक है, इंडिया अगर नहीं तो बहुत है, चाइना तो खड़ा हुआ है चेकबुक डिप्लोमेसी के साथ, बहुत लोग आ चुके हैं, ठीक है। सो इंडिया नीड्स टू फाइंड इट्स वे टू रेज इट्स प्रोफाइल, ऐसा बोलना है इनको, एंड इसी चीज को वो बोलते हैं एंड इट नीड्स टू गिव देम अ मॉडर्न मेकओवर करो इस टाइज का, मॉडर्न मेकओवर टू ओल्ड टाइज, ऐसा बोलना है, ठीक है। यानी बेसिकली इस लाइन का यही मकसद है कि भाई अब हिस्ट्री के बेस पे अब तक आप चलोगे, ठीक है, कब तक चलोगे, यू नीड टू गिव इट अ मॉडर्न मेकओवर, व्हाई, बिकॉज अफ्रीका हैज नो स्केस्टी ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, आप जरा सा इंडिया ने कुछ करी वो झटाक से किसी और की तरफ चले आएंगे, ठीक है। अब देखिए गांधी जी की भी जो पॉलिसी है इसको भी हम आगे रख सकते हैं टुवर्ड्स अफ्रीकन नेशंस, ठीक है। तो गांधी जी के व्यूज क्या थे, या गांधी जी के व्यूज क्या थे कि बाहर किसी कंट्री में या अफ्रीका में कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए, तो गांधी जी ने ये बोला था कि देयर शुड बी अ कॉमर्स, ठीक है, मतलब कॉमर्स ट्रेड ये सब, कॉमर्स ऑफ आइडियाज एंड सर्विसेस रैदर देन कॉमर्स ऑफ क्या, रॉ मटीरियल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये नहीं होना चाहिए,
ठीक है, ये मतलब इन द सेंस कि ये अफ्रीका है और ये इंडिया है आपका, तो यहां से भाई आपका रॉ मटेरियल आ रहा है एंड यहां से आपका वो जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस ओनली लेड टू कोलोनिज्म, ठीक है, जो कि वहां से हमारे रॉ मटेरियल जाता था वहां से वो बन के आता था, बट इंस्टेड यहां से आइडियाज जाने चाहिए, यहां से सर्विसेज जानी चाहिए, तो इस चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो गांधी जी के इस आइडिया को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है न्यू दिल्ली में, इसको याद रखना चाहिए, ठीक है, इस टाइप की अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, अप्रोच ऑफ द इंडिया शुड बी ऑन द लाइंस ऑफ द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक और लाइन गांधी जी बोलते हैं कि जो अफ्रीका है देखो, इट नीड्स टू बी डेल्ट विथ वेरी सेंसिविटी एंड सेंसिबिलिटी, ठीक है, एंड गांधी जी के पास तो ग्राउंड रिपोर्ट थी यार अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका में काफी काम करा था इन्होंने एज अ लॉयर, फिर वहां काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी किया था, ठीक है, तो पैसिव रेजिस्टेंस एक्सेट्रा सब वहीं से डेवलप हुआ था, ठीक है, तो उनको पता है यार, ठीक है, सो अफ्रीका नीड्स टू बी डेल्ट विथ सेंसिविटी एंड सेंसिबिलिटी, ऐसा कहते हैं गांधी जी, ठीक है। फिर देखिए और क्या कुछ और अभी रिसेंट अगर कुछ एग्जांपल दूं कि रिलेशनशिप स्ट्रेन हो गए हैं, ठीक है, तो देखिए रिसेंटली अगर आप लोग न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो अभी ये न्यूज आई थी कि बहुत ज्यादा रेशियल वायलेंस हो रहा था स्पेशली इन न्यू दिल्ली, ठीक है, रेशियल वायलेंस इन न्यू दिल्ली अगेंस्ट अफ्रीकन स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, तो ये चीज को भी चेक करना चाहिए, ठीक है, इंडिया को अफ्रीकन कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के साथ जो इंडिया में रेशियल वायलेंस हो रहा है किसी भी पार्ट में, तो इससे एक नेगेटिव इमेज बनती है अफ्रीका के लोगों के बारे में, इंडिया के, ठीक है, अफ्रीका के लोगों के इंडिया के बारे में, ठीक है, इससे इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है, वेन ऐसी खबरें फैल जाएंगी कि भाई इंडियन एटमोसफियर अफ्रीकन इंडियन एटमोसफियर इज नॉट गुड फॉर अफ्रीकन स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सिमिलरली अभी ऑस्ट्रेलिया में बन गई थी, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा था, इंडियन के लोगों पे काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा था, तो ऐसा कह रहा जा रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया में नहीं पढ़ने जा रहा चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये तो आप समझ लेना, तो ये इस चीज को बहुत ज्यादा चेक करने की जरूरत है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बचता है गाइस, ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट बचता है कि भाई इंडिया एंड चाइना का कैसे राइवलरी है, ठीक है, इंडिया एंड चाइना की राइवलरी हम डिस्कस करेंगे आपके इंडिया एंड चाइना की राइवलरी, नेक्स्ट बस ये एक पार्ट बचता है किसमें, इंडिया वर्सेस चाइना इन अफ्रीका, तो ये मैं एक शॉर्ट सी वीडियो अभी आज ही अपलोड कर दूंगा, एंड क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, तो इसके साथ हमारा इंडिया एंड अफ्रीका फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका इंडिया एंड लैटिन अमेरिका, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे, सो नोट्स चाहिए तो आप लोग को पता है क्या करना है, टिल देन गाइस टेक केयर, गुड बाय।